हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं YD Techs। दोस्तों आज के वीडियो में हम WhatsApp और YouTube इन दोनों के अपडेट्स के बारे में इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इन दोनों एप्लीकेशन के अंदर कुछ बदलाव आए हैं, तो ये बदलाव क्या है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम WhatsApp की बात करते हैं। दोस्तों हम सभी को पता है कि अगर WhatsApp के अंदर आप किसी भी वीडियो को अपने स्टेटस के अंदर शेयर करते हो तो वहाँ पर हमें पहले 30 सेकंड्स का ऑप्शन मिलता था, लेकिन अगर आज के डेट में आप किसी भी वीडियो को अपने स्टेटस के अंदर शेयर करते हो तो वहाँ पर आपको सिर्फ 15 सेकंड्स का ही ऑप्शन मिलता है। आप स्क्रीन के ऊपर क्लियरली देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर मेरे स्टेटस के अंदर एक वीडियो को शेयर कर दिया है। जैसे मैं इसे यहाँ पर शेयर करने के लिए जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 15 सेकंड्स का ही ऑप्शन मिलता है। इससे पहले मुझे 30 सेकंड्स का ऑप्शन मिलता था। ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों आप सभी को पता है कि लॉकडाउन की वजह से सभी लोग अपने घर के अंदर मौजूद है और घर में रहने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा WhatsApp, YouTube और भी सोशल प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि नेटवर्क के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोड आ चुका है। तो नेटवर्क कंजेशन को कम करने के लिए WhatsApp ने यह स्टेप उठाया है और इसी तरह आपको YouTube के अंदर भी कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। पहले क्या होता था, अगर आप YouTube के अंदर कोई भी वीडियो देखते थे तो वहाँ पर आपको 1080p का ऑप्शन मिल जाता था, लेकिन अगर आज के डेट में आप किसी भी वीडियो को देखने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ स्टैंडर्ड 480p रिजोल्यूशन का ऑप्शन ही मिल पाएगा। आप स्क्रीन के ऊपर क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक वीडियो प्ले की है और वहाँ पर मुझे सिर्फ 480p का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर मुझे 1080p का ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो YouTube ने यह स्टेप नेटवर्क कंजेशन को कम करने के लिए ही उठाया है। फिलहाल ये चेंजेस कितने दिनों तक रहेंगे ये पता नहीं है, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे यूजफुल वीडियोस लाते रहता हूँ। थैंक्स।